खबरों में बढ़ेंगे आगे कोटा जिले के पिपलदा विधानसभा क्षेत्र के नोनेरा एबेरा डैम पहुंचे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने डैम का निरीक्षण किया। नोनेरा एबेरा डैम पहुंचने पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, विधायक चेतन पटेल और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने हेलीपैड पर उनकी आगवानी कर स्वागत किया। बाद में पुलिस ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। बाद में जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ पूरे डैम के निर्माण कार्यों का अवलोकन कर अधिकारियों से बातचीत की। बता दें इस डैम का 90% कार्य पूरा हो चुका है और शेष यानी कि 10% कार्य जून तक पूरा होगा, जिससे प्रदेश के 13 जिलों को पीने का पानी मिलेगा, साथ ही क्षेत्र के किसानों को सिंचाई में भी लाभ होगा। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर अयोध्या में भी लोकसभा चुनाव के केंद्र कार्यालय का शुभारंभ किया गया। शहर के सिविल लाइन स्थित भाजपा के पुराने कार्यालय को लोकसभा चुनाव का केंद्र कार्यालय बनाया गया है। लोकसभा चुनाव प्रभारी श्री कृष्ण शास्त्री और चुनाव संयोजक बांके बिहारी मणि त्रिपाठी ने हवन पूजन कर केंद्र कार्यालय का शुभारंभ किया। कार्यालय शुभारंभ के दौरान सांसद लल्लू सिंह, महापौर महंत गिरीश त्रिपाठी, पूर्व महापौर ऋषिकेश उपाध्याय, जिलाध्यक्ष संजीव सिंह और अन्य भाजपा नेता मौजूद रहे। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने सभी लोकसभा क्षेत्र में केंद्रीय कार्यालय खोलने का निर्देश दिया था। 31 जनवरी तक खोलना था, लेकिन यहाँ चूंकि प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम था, इस नाते थोड़ा सा विलंब हुआ। आज केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन हमारे चुनाव के संयोजक और प्रभारी ने मिलकर के किया और सारे प्रमुख कार्यकर्ता यहां पर उपस्थित। अलीगढ़ के थाना रुडावर इलाके में भारतीय जनता पार्टी के जयगंज मंडल के उपाध्यक्ष मुस्लिम महिला नेता रूबी आसिफ खान सहित प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी भरा एक पत्र मिला है। यह पत्र बीजेपी नेता के घर कुछ अराजक तत्वों की ओर से डालने की बात सामने आ रही है। धमकी में रूबी आसिफ खान को राम मंदिर की खुशी मनाने के लिए धमकी दी गई और धमकी के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस टीम सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। थाना रोरावर का एक प्रकरण संज्ञान में आया, जिस संबंध में क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम द्वारा अवगत कराना है कि थाना रोरावर क्षेत्र में रहने वाली महिला रूबी आसिफ खान, जिनके घर पर एक पत्र प्राप्त हुआ है और जिस संबंध में उनके द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है तथा पत्र डालने वाले के संबंध में सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं तथा स्वाट व सर्विलांस की टीमें लगाई गई हैं, जिससे कि घटना का शीघ्र अनावरण किया जा सके। अस्पतालों में व्यवस्था सुधारने के लिए मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने सभी संभागीय आयुक्त, कलेक्टर, सीएमएचओ और तहसीलदारों के लिए आदेश जारी किए हैं कि हर सप्ताह अस्पताल, प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों और अन्य चिकित्सा संस्थानों का औचक निरीक्षण किया जाए। सीएमएचओ विजय सिंह फौजदार ने उपजिला अस्पताल शाहपुरा का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान अस्पताल में गंदगी को देखकर सफाई करने के निर्देश भी जारी किए। ब्रेक के बाद स्वागत आपका, बढ़ेंगे आगे। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में साहित्य के दिग्गज और कुछ नए साहित्यकार हिस्सा ले रही है। इन साहित्यकारों के साथ हो रहा संवाद फेस्टिवल में आने वाले साहित्य प्रेमियों को खूब लुभा रहा। वहीं बच्चे भी पोस्ट कार्ड के माध्यम से अपनी कला दिखा रही है। हमारे संवाददाता उमंग माथुर ने गुलमोहर लेन से दृष्टि से खास बातचीत की। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में हम इस समय खड़े हैं। आपको बता दें 17वां संस्करण है लिटरेचर फेस्टिवल का। कई लोग यहां पर मौजूद हैं जो अपनी अपनी कला का यहां प्रदर्शन कर रहे हैं। गुलमोहर लेन से दृष्टि जी हमारे साथ मौजूद हैं। दृष्टि जी, आपसे जानना चाहेंगे ये जो सब बच्चे ये बैठे हैं, ये क्या कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? सो गुलमोहर लेन इज़ अ ब्रांड इन विच वी यू नो आर अ नेचर इंस्पायर्ड ब्रांड एंड हम बहुत सारे प्रिंट्स बनाते हैं जो नेचर के ऊपर होते हैं, चिड़िया एट्सेट्रा। एंड यहाँ पे हमने अपने मोटिव्स को आउटलाइन किया है टू सी द क्रिएटिविटी, हाउ यंग स्टूडेंट्स यू नो काइंड ऑफ पुट इन देयर एफर्ट्स एंड वी आर सीइंग सच एन अमेजिंग इंटरेक्शन ओवर हियर। देयर इज सो मच ऑफ एंथुजियाज्म, एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट टेक ऑन द मोटिव्स एंड इट्स बिन लवली टू बी हियर एंड इंटरेक्ट विद द ऑडियंस एंड यू नो इट्स बिन ग्रेट। एक क्वेश्चन एक ये है कि ये बच्चे जो भी ड्रॉ कर रहे हैं, क्या इनमें से कुछ सेलेक्ट होंगे आपके ब्रांड के लिए?
सो बेसिकली ये पोस्ट कार्ड्स हैं विच पीपल कैन कलर, इट्स लाइक अ मेमोरी फ्रॉम अस एंड JLF विच दे कैन टेक अवे बैक होम. सो यू नो इट्स देयर इंटरप्रिटेशन ऑफ आवर मोटिव्स इन देयर ओन फॉर्मेट एंड यू नो दे कैन टेक इट बैक होम एज अ मेमोरी. या इतने हमारे साथ दृष्टि जी गुलमोहर लेन से, उनका कहना है कि इनका जो ब्रांड है उसमें ये नेचर को बहुत ज़्यादा इंक्लूड करते हैं और उसी के लिए ये जो तमाम बच्चे हैं इनको अपना इन्होंने आइडिया बताया है और ये बच्चे पोस्ट कार्ड से बना रहे हैं नेचर को लेके. वो चिड़िया भी हैं, वो पेड़ भी हैं, वो फूल भी हैं, पौधे भी हैं और आगे जाके इन बच्चों को भी प्रेरणा मिले कोई नई नई चीज़ें करने के लिए. इसी के लिए गुलमोहर लेन ने ये एक हम कह सकते हैं लाइव कैनवास इन बच्चों को दिया है कि कोई भी आए और यहाँ पर अपने जो रंग है वो इन पोस्टकार्ड पर उतारे. सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेश टीवी, जयपुर. 24वें शौर्य दिवस पर शहीद स्मारक पर शहीद देवालाल को श्रद्धांजलि दी गई. इस दौरान देशभक्ति गीतों पर नन्हे मुन्हे कलाकार ने शहीदों की याद दिलाते देशभक्ति गीतों पर प्रस्तुतियां दी. सैनिक कल्याण बोर्ड टोंक के सूबेदार राम प्रकाश चौधरी सहित ग्रामीणों ने वीरांगना धोली देवी सहित परिवार का सम्मान किया. बता दें शहीद देवालाल ने 4 फरवरी 2000 को सियाचिन में आतंकवादी से लोहा लेते हुए शहीद हो गए थे. इस मौके पर शहीद देवलाल के बचपन के साथ नरपत सिंह राजावत से खास बातचीत की. देश की आन बान और शान के लिए हंसते हंसते अपने प्राण नौछावर करने वाले ऐसा ही वीर सपूत गांव जोला का है जिसको आज याद किया जा रहा है. शहीद देवालाल को लेकर आज आयोजन हुआ. किस तरीके का आयोजन हुआ इसके साथ हमारे साथ बचपन के साथी नरपत सिंह जी राजावत मौजूद थे, उनसे जोड़ना चाहेंगे. नरपत जी, किस तरीके का आज आयोजन हुआ और आपके बचपन के सखा थे देवलाल जी, क्या कहेंगे? देवलाल जी जो शहीद देवालाल जी है वो मेरे बचपन के साथी हैं, बचपन से साथ रहे और शुरू से उनका जो शौर्य वो देखने से ही बनता था. राष्ट्रभक्ति का बहुत बड़ा जज्बा था और वो 4 फरवरी 2000 को शहीद हो गए. उस 4 फरवरी 2000 के बाद हर वर्ष उनकी याद में शौर्य दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को. और इस 4 फरवरी में जो शौर्य दिवस मनाते हैं, शौर्य दिवस मनाने का इतना तगड़ा फायदा हुआ है हमारे गांव में कि हमारे गांव का प्रत्येक व्यक्ति भारत माता वंदे मातरम के नारे लगाते लगाते लड़कों में जोश भर गया. यानी आज 4 फौजी नए वर्दी हुए हैं और उम्मीद उनकी जो बच्चों की है वो ये अगली बार हम 40 वर्दी होंगे. मतलब देवालाल के जो शौर्य है उसको लेकर काफी जोश है और युवा पीढ़ी प्रेरणा ले रही है. आज देवालाल जो स्मारक है वहाँ पर आयोजन हुआ, किस तरीके के नारे लगाए गए, किस तरीके का जोश और जुनून स्मारक पे देखने का मिला? ये 48 घंटे का कार्यक्रम है और भी ज्यादा हो गया क्योंकि यहाँ पीपल डेट दे दो पीपल के पीपल महारानी का विवाह कार्यक्रम भी है. शिव पंचायत प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी रखा गया जिसमें गांव में बाइक रैली भी निकाली गई जिसमें बच्चों ने भारत माता वंदे मातरम के नारे लगाए जम के और पूरा गांव मतलब राष्ट्रभक्ति से उत्प्रेरित हो गया. साथ ही आध्यात्मिक की ओर भी रुझान रहा क्योंकि भगवान चार बजनाथ और लक्ष्मीनाथ जी महाराज दोनों यहाँ दूल्हा बन करके आए. तो पूरा गांव आपने देखा ही होगा, भी पूरा गांव मतलब पांव रखने की जगह नहीं रही. रात को कोई सोया नहीं, पूरी रात कार्यक्रम चला और आज भी रात्रि को भजन संध्या का कार्यक्रम होगा और लोगों में बहुत बड़ा. शाहपुरा थाने के पुलिस को बाइक चोरी के मामले में बड़ी कामयाबी हाथ लगी है. पुलिस ने वाहन चोर गिरोह के 2 सदस्यों को धर दबोचा, साथ ही एक नाबालिग को भी डिटेन किया गया है जिनके पास से चोरी की 10 बाइकें मिली हैं. उनसे कई बाइकें टुकड़ों में मिली हैं और उनके कलपुर्जे बरामद किए गए हैं. बताया जा रहा है कि आरोपी चोरी की बाइक के पार्ट्स खोलकर कबाड़े को बेच देता था. फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है. मोटरसाइकिल चोरी की वारदात कस्बा शाहपुरा में रेगुलर हो रही है और इस रेगुलर चोरी के मद्देनज़र उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार मैंने टीम गठित की, मेरे थाने की टीम गठित करके और उसका मैं नेतृत्व कर रहा था. संदिग्धों से पूछताछ की जा रही थी. इसी दौरान मुखबिर मामूर के सोर्स बढ़ाए और सूचना मिलने पर हमने पूछताछ की तो नरेश मीणा निवासी वाघावास को हमने दस्तयाब किया जिसने चोरी की वारदातें करना स्वीकार किया. उसके साथ एक नाबालिग था उसको भी निरुद्ध किया जिसको भेज दिया गया है बाल सुधार गृह में और उसके द्वारा मोटरसाइकिलों को अलग अलग पार्ट्स इंजन अलग चेचिस अलग करके इस प्रकार कबाड़ी को बेचा जाता था. एक मोटरसाइकिल को 8-10 हज़ार रुपये भी बेच
बेचार करके वो कबाड़ी से पैसे लेता था, उस कबाड़ी को भी हमने गिरफ्तार। यूपी के हाथरस में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की बरामदगी एवं तस्करी के विरुद्ध अभियान चला रखा है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और उनके पास से 2 किलो 670 ग्राम गांजा बरामद किया है। कल थाना शासनी अंतर्गत ग्राम बरसे में मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई कि कुछ महिलाएं वहां पर गांजा बेच रही हैं। इस सूचना पर तत्काल थाना पुलिस शासनी मौके पर पहुंचकर दोनों महिलाओं को गिरफ्तार किया। उनके पास से 2 किलो 670 ग्राम गांजा बरामद हुआ। सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां रोडवेज डिपो उदयपुर के जनरल मैनेजर खेम सिंह ने रोडवेज डिपो का निरीक्षण किया और इस दौरान परिसर में सीसीटीवी कैमरे, सुरक्षा गार्ड सहित मूलभूत सुविधाएं बढ़ाने के निर्देश दिए गए। वहीं जनरल मैनेजर खेम सिंह को रोडवेज के स्टाफ की सैलरी, डिपो में बसों की कमी, खराब बसें, कई मार्गों पर बंद पड़ी बसें के बारे में जानकारी दी गई, जिस पर तुरंत एक्शन लेने का आश्वासन दिया गया। देखिए, ये जो विजिट है ये हमारी जनरल विजिट है, जिसका मुख्य उद्देश्य यात्रियों की सुविधा को और उन्नत बनाना है। जिन संसाधनों के साथ हम आज काम कर रहे हैं उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन करते हुए हम यात्रियों को कितनी अच्छी सुविधाएं दे सकते हैं। दूसरा उद्देश्य हमें हमारे स्टाफ को समय पर आने के लिए पाबंद करना है, उनको टाइम पंक्चुअलिटी के बारे में बताना है, तथा जो जनता की ज़रूरतें हैं या जो फाइल पेंडिंग हैं उनको समय पर निस्तारण किया जाए। इस तरह के हमें भी निर्देश हैं और हम ये आगे पास ऑन भी कर रहे हैं, जिससे कि किसी का काम बिना वजह डिले ना हो। सीधे शब्दों में हम सुशासन को और अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।